Hello dear students, welcome back to our channel. So today we are going to start with a new topic, that is development of endosperm. हमने अपने last lecture में पढ़ा था, we have studied in our last lecture that what is the meaning and what is the need of the endosperm. First of all, what is the meaning of the endosperm? It is nothing but the nutritive part of a ovule. Okay, after fertilization, when one male gamete fertilizes the secondary nucleus of the ovule, it forms primary endosperm nucleus which matures further, okay, to form the endosperm. और इसी एंडोस्पर्म से हमारे सीड को जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता, मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म इन डिटेल. पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या दिया गया है हमको इंट्रोडक्शन में. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू. क्या बोला है हमको यहाँ पर कि हमारा जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है और उसपे एक मेल गैमेट जाके फ्यूज हो रहा है. सो टोटल तीन न्यूक्लियस का हमको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलता है. ये सिंगल सेल जो तीन न्यूक्लियस का है, अब ये कंटिन्यूअस डिविजन दिखाएगा. क्या दिखाएगा हमको? कंटिन्यूअस डिविजन, क्योंकि जैसे जैसे जायगोट बड़ा होगा वैसे वैसे एंडोस्पर्म को भी डेवलप होना पड़ेगा. वरना मालूम पड़ा कि जायगोट के पास फूड नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से जायगोट डेड हो गया. और हम ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा जायगोट मैच्योर होने से पहले ही डेड हो जाए. तो जायगोट को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए उसके खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा, और उसका खाना क्या है? एंडोस्पर्म. सो ये जो ट्रिप्लॉइड यानी कि इसके अंदर जो तीन न्यूक्लियाई है, दिस ट्रिप्लॉइड PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या होगा? ये बार बार रिपीटेडली माइटोटिकली डिवाइड होगा, ओके, ताकि इसका डिविजन फास्ट होते जाए एज कम्पेयर टू जायगोट. एंडोस्पर्म को जायगोट से हमेशा एक स्टेप आगे रहना है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. प्री मतलब बिफोर, पोस्ट मतलब आफ्टर. सो इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलप साइमल्टेनियसली. हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस जब हम देख रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन का, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक डबल फर्टिलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंस ये है कि एंडोस्पर्म तभी बनता है जब जायगोट बने. एंडोस्पर्म पहले से बन के वेस्ट नहीं होता है. जैसे एक मेल गैमेट आके एक सेल को फर्टिलाइज करेगा तो जायगोट बनेगा, उसी टाइम पे दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा ताकि एंडोस्पर्म और जायगोट साथ में बढ़े. कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एक सिग्निफिकेंस था डबल फर्टिलाइजेशन का. तो यहां पर हमको वही बताया गया है कि एक बार जब जायगोट फर्टिलाइज हो जाता है तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, अपना जायगोट और एंडोस्पर्म दोनों साथ साथ में ग्रो होते हैं, साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं. द थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक. अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने जो एग अपैरेटस देखा था, 7 सेल और 8 न्यूक्लिया, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कुछ ऐसा अपैरेटस होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर. ऊपर एंटीपोडल्स, नीचे सिनर्जेट्स, फिर एग सेल, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो ये हमारा सेल्स है ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो यहां पर क्या बोला गया है? द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ये एंटीपोडल्स और ये एक सिनर्जेट जो बचा हुआ होता है, देखो ये यूज हो गया, ये बन गया PEN. ये एग सेल भी यूज हो गया, ये बन गया जायगोट. ये सिनर्जिक तो पहले ही बर्स्ट हो गया था. सो क्या क्या बचा? एंटीपोडल बचा और जो एक रिमेनिंग सिनर्जिक था. धीरे धीरे करके जैसे जैसे एंडोस्पर्म मैच्योर होगा, ये रिमेनिंग सेल्स क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे करके दे विल गेट डिसऑर्गेनाइज सूनर और लेटर, ओके. सो मतलब कि पहले जायगोट फर्टिलाइज हुआ, फिर एंडोस्पर्म बना, और एंडोस्पर्म बनने के बाद जो बचे हुए जितने भी सेल्स हैं एंटीपोडल्स और सिनर्जिक, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे. दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन. और अब हमको क्या बताया गया है कि एंडोस्पर्म जब डेवलप होता है या बनता है, मेच्योर होता है, तो तीन फॉर्म्स होते हैं एंडोस्पर्म के, ओके. एक होता है न्यूक्लियर टाइप, एक होता है सेल्यूलर टाइप, और एक होता है हेलोबियल टाइप, जो इसके जस्ट बाद हम कवर करेंगे, ओके. तो अब हम ये अलग अलग एंडोस्पर्म्स एक एक करके डिटेल में देखेंगे. वापिस बोलती हूँ, तीनों एंडोस्पर्म एक ही ओव्यूल में नहीं होता है. हर एक ओव्यूल का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. किसी ओव्यूल में न्यूक्लियर टाइप का होगा, किसी ओव्यूल में सेल्यूलर टाइप का होगा, तो किसी ओव्यूल में हेलोबियल टाइप का आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा. सो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म कैसा दिखाई देता है.
ओके, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म का। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये मैंने जो लिया है दिस इज योर ओनली इनर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मतलब हमारा जो ओव्यूल था ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो एग सेल और जो एंडोस्पर्म था सिर्फ वही है। मतलब ये देखो, ये आपका ओव्यूल था, ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटीपोडल्स, ये वगैरह वगैरह, ये सब हमने नहीं लिया। हम सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये प्राइम एंडोस्पर्म और ये हमारा रहा जायगोट एंडोस्पर्म के अंदर। तो हमको सिर्फ किससे लेना देना है, एम्ब्रियो सैक के अंदर का जो एंडोस्पर्म है और जो जायगोट है सिर्फ उसी से लेना देना है। ओके, सो देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमको डायग्राम में कि ये हमारा जायगोट है, ओके, और ये आपका एम्ब्रियो सैक है। और यहां पर मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है और कुछ सेल्स खाली हैं, वेकेंट है, ओके, कुछ न्यूक्लियस नहीं है उनके अंदर। तो आपने प्लांट सेल में पढ़ा होगा कि प्लांट सेल के अंदर एक एम्प्टी वैक्यूल होता है जो कि उसका वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है या एक्स्ट्रा लिपिड्स या एक्स्ट्रा फैट्स जो भी बनते हैं वो उस वैक्यूल में जाके स्टोर होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जायगोट है, ये एम्ब्रियो सैक है और यहीं पर कुछ सेल्स हैं, ओके, जो डिवाइड हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर आगे आपको क्या दिखाई देगा, ये जो मैंने जिनमें न्यूक्लियाई बनाया है ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो माइटोसिस दिखा रहा है। ये जायगोट है, दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ये ऊपर वाला पार्ट जो है दिस इज जायगोट, ये अंदर जिन सेल्स में न्यूक्लियस है ये आपका एंडोस्पर्म है। क्या है ये आपका एंडोस्पर्म, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएगा क्योंकि वो माइटोसिस दिखा रहा है एंड माइटोसिस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इक्वेशनल डिवीजन। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि ये हमारा एम्ब्रियो सैक, ये जायगोट और ये जो न्यूक्लियर वाले सेल्स हैं, न्यूक्लियर वाले सेल्स हैं, दे आर दी एंडोस्पर्म। यही आगे डिवाइड होंगे क्योंकि हमने क्या बोला, इट रिपीटेडली डिवाइड्स, बार बार डिवाइड होता है। तो इसी को थोड़ा सा बड़ा करके देखा, मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो भी डिवाइड हो रहा है बिकॉज एम्ब्रियो को खुद को भी डेवलप होना है, जायगोट को खुद को भी बड़ा होना है। पहले वो जायगोट स्टेज में है सिंगल, जब एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज हुआ था तो जायगोट बना था, इसीलिए यहाँ पर हमने उसको जायगोट लिखा है। लेकिन अब वो डेवलप हो रहा है तो जायगोट से वो क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। और जब हमारा जायगोट एम्ब्रियो बन रहा है तो उसी टाइम पे ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, दिस इज PEN, ये जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये क्या होंगे, ये डेवलप होके बनेंगे एंडोस्पर्म। सो ये पहला स्टेज, फिर ये दूसरा स्टेज और इसी का आगे फर्दर मेच्योर स्टेज जहां पर आपको एम्ब्रियो कंप्लीटली मेच्योर दिखाई दे रहा है, मतलब वो कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रहा है और जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वैसे ही वैसे एंडोस्पर्म भी डेवलप हो रहा है क्योंकि एम्ब्रियो का खाना कौन है, एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रियो जो इतने अच्छे से डिवाइड हो रहा है, एक से दो सेल बन रहे हैं, दो से चार सेल बन रहे हैं, सेल को डिवाइड होने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। आपने 11th स्टैंडर्ड में सेल डिवीजन में ये चीज पढ़ी है कि सेल खुद से डिवाइड होता है लेकिन उसको डिवाइड होने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है या बहुत सारे नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो नरिशमेंट उसको कहां से मिल रही है, एंडोस्पर्म से मिल रही है। ये डायग्राम था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, मोस्ट कॉमनली न्यूक्लियर टाइप, मैंने आपको बोला ना कि अलग अलग सीड्स में या अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का एंडोस्पर्म दिखता है। सो न्यूक्लियर टाइप किसमें दिखाई देता है, मोस्ट कॉमनली इट इज फाउंड इन 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। ओके, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर। वापिस बोलती हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब समझाती हूँ कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इट इज डिवाइडिंग माइटोटिकली। कैसे डिवाइड हो रहा है, माइटोटिकली, मतलब पहले एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, एक से दो, दो से बने चार, ऐसे कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है और आपको इधर दिखाई दे रहा है कि वो फ्रीली डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है वो, फ्रीली, मतलब अगर आप ये देखो, ये डायग्राम देखो तो यहाँ फ्री डिवीजन नहीं है, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है, एक से दो हुआ तो अलग वॉल बन गया, एक पूरा ही अलग चेंबर तैयार हो गया, फिर ये दो से जब चार हुए तो अलग चेंबर तैयार हुआ। तो मतलब बोलने की क्या कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर कैसे वॉल फॉर्म हो रहा है वैसे यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इनिशियली यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है।
द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर. सेंट्रल वैक्यूल, ये जो आपको बीच में सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है जो बड़ा सा होता है, दिस मतलब ये छोटे 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 सारे वैक्यूल जमा होकर एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है. यहां पर देखो ये जितने भी एम्प्टी स्पेसेस स्ट्रक्चर है ये सारे ज्वाइन होके एक बड़ा सा वैक्यूल बनाते हैं. और ये बड़ा सा वैक्यूल क्या करता है, इट मेक्स श्योर कि ये एम्ब्रियो अपनी जगह से हटके नीचे ना आ जाए या आजू बाजू में कहीं पे भी ना आ जाए, वो ऊपर की तरफ रहे. सो द सेंट्रल वैक्यूल पुशेस द न्यूक्लियाई टूवर्ड्स द पेरिफेरी. इट पुशेस द एम्ब्रियो, द न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो टूवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके, सो इट पुशेस द न्यूक्लियाई टूवर्ड्स द पेरिफेरी. व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, लेटर वॉल्स डेवलप बिटवीन न्यूक्लियाई. अब धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का न्यूक्लियाई पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, पेरी मीन्स आउटर और साइड, पेरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, साइड. ओके, सो ये एम्ब्रियो एक साइड में है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर में ही वो शिफ्टेड है. सो आफ्टर शिफ्टिंग द एम्ब्रियो टू द पेरिफेरी क्या होगा, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जितने भी फ्री न्यूक्लियस थे अभी फ्री न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर वॉल्स के अंदर बांध दिया गया है. सो लेटर वॉल्स डेवलप बिटवीन न्यूक्लियाई दैट देयर फोर वी गेट मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म. सो अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे भी मल्टी न्यूक्लियर था, यहां पे भी मल्टी न्यूक्लियर है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियर फ्री थे, उनको कोई बांध नहीं रहा था. मतलब यहां पर इन न्यूक्लियर के पास कोई वॉल नहीं थी. यहां पर देखो हर एक न्यूक्लियर के बाहर आपको एक वॉल देखने को मिलेगी. सो यहां फ्री न्यूक्लियर थे और यहां पर जब एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो ये न्यूक्लियर के बाहर भी वॉल फॉर्मेशन हो गई और हमको क्या मिला एज अ रिजल्ट, मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब ये ज्यादातर स्पीशीज में होता है लेकिन कुछ स्पीशीज में वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाता है. क्या रह जाता है, इनकम्प्लीट. इट्स सेल वॉल फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट इन सेवरल केसेस. देखते हैं कौन से एग्जांपल्स में. एक होता है वीट, सनफ्लावर और कोकोनट. अगर आपको कोकोनट का एग्जाम्पल देकर समझाया जाए कि उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट कैसे रह जाता है, सो यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेटमेंट लिखा गया है. The coconut has multicellular endosperm in outer part. क्या बोला हमको इधर पे कि coconut का जो endosperm है, जो multicellular endosperm है, वो उसके बाहर के पार्ट में है. यानी कि अगर आपने नारियल देखा होगा तो उसका ब्राउन कलर का जो आउटर वॉल होता है, उसका जो कवच होता है, द शेल ऑफ द कोकोनट, दैट इज योर एंडोस्पर्म, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ड्राई हो जाता है, जिसका काम अब है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. इनिशियली वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था बट जब अंदर का कोकोनट रेडी हो गया तो अब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो कोकोनट हैज मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इन आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियर वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन सेंटर. कोकोनट के अंदर जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, जिसकी एक्चुअली आप चटनी बनाते हो, जो व्हाइट फ्रूट होता है कोकोनट का, दैट इज फॉर्म विदाउट एनी वॉल. मतलब वो विदाउट किसी वॉल के फॉर्म हुआ है. और बीच में, नारियल के बीच में जो खाली जगह होती है जहां पर पानी भरा होता है, नारियल का पानी, दैट इज द वैक्यूल ऑफ द कोकोनट. ओके, तो इसका मतलब यहां पर प्रॉपर वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई. यहां पर आपको कहीं पर भी वैक्यूल, ऐसा खाली वैक्यूल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं. मतलब यहां वॉल फॉर्मेशन हुई है लेकिन कोकोनट में वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगी. हाँ, अगर आपको कोकोनट ऐसा मिलता कि पूरा का पूरा कोकोनट एकदम पूरा, अंदर कोई खाली जगह है ही नहीं, पूरा अंदर से भी वो ठोस है, अंदर से भी वो पूरी तरीके से भरा हुआ है. ओके, अगर ऐसा कोकोनट मिलता मतलब उसमें पूरा वॉल फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अंदर से हमको खाली जगह दिखाई देती है, अंदर पानी भरने के लिए जहां पानी भरा रहता है वहां पर वैक्यूम होता है. सो दैट मींस कि वहां पर सेल वॉल कंप्लीशन नहीं हुआ. ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज न्यूक्लियर टाइप. आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रीटी वेल. ओके, नेक्स्ट कम्स सेल्यूलर टाइप. अब यहां पर क्या बोला है, सेल्यूलर मतलब सेल फॉर्मेशन या सेल के शेप में. और सेल मतलब कैसे, एक सेल जब माइटोसिस दिखा के दो बनता है तो करियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों होता है. मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है. मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, ये आपका एक सेल, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो पहले न्यूक्लियस अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाएगा और फिर धीरे धीरे करके
साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और उनको दो सेल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा सेल्यूलर टाइप में. ओके, सो सेल्यूलर टाइप में क्या होता है कि इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में जब फर्स्ट स्टेज होता है तो आपका जो एंडोस्पर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो अनइक्वल पार्ट में. ओके, और धीरे धीरे करके जिस पार्ट में एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो तो अलग अलग पार्ट में नहीं जा सकता, एम्ब्रियो किसी एक ही हिस्से में रहता है, या तो ऊपर या तो नीचे. जिस हिस्से में एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट दिखाएगा, लेकिन जिस हिस्से में एम्ब्रियो नहीं है वो एक्चुअली आपका एंडोस्पर्म बनता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस हिस्से में एम्ब्रियो था वहां पर सिर्फ एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है, लेकिन जिस हिस्से में एम्ब्रियो नहीं था वहां पर आपका एंडोस्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है. डिड यू गेट इट? सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप. इन सम प्लांट्स डिविजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इमीडिएटली फॉलोज वॉल फॉर्मेशन. यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमें कि यहाँ पर तुरंत वॉल बन गई, ये तुरंत मिडल वॉल बन गई, सो इट इमीडिएटली फॉलोड वॉल फॉर्मेशन. दस द एंडोस्पर्म इज सेल्यूलर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही. यहाँ पर कैसे एंडोस्पर्म एंड में मल्टी सेल्यूलर बना, यहाँ पर स्टार्टिंग में फ्री न्यूक्लिया है, एंड में वो मल्टी सेल्यूलर बना, लेकिन सेल्यूलर टाइप में क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेज में ही वो डिवाइड हो जा रहा है, तो वो फर्स्ट स्टेज से ही कैसा है, इट इज शोइंग सेल्यूलर टाइप. ओके, इट इज सेल्यूलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स, ये ज्यादातर न्यूक्लियर टाइप 161 फैमिलीज में देखा जाता है, ये 72 फैमिलीज में देखा जाता है. मैं बार बार आपको कंपेयर करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट वगैरह आए या ना आए, लेकिन आपको डिस्टिंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर कर पाओगे, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो वन सेंटेंस क्वेश्चन हो. सो इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स एंड दीज आर द गिवन एग्जाम्पल्स, बालसम, पेट्यूनिया, एडॉक्सा एटसेट्रा. सो व्हाट डू यू नीड टू रिमेम्बर इन दिस इज द डायग्राम, हाउ इट लुक्स, क्योंकि डायग्राम याद है तो थ्योरी याद है. ओके, द नंबर्स दैट आर गिवन एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ. यहाँ पर इनिशियली नो सेल वॉल फॉर्मेशन, लाइक इनिशियली देयर इज ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंड एट द लास्ट स्टेज एट द लेटर स्टेज द वॉल फॉर्म्स. हियर द वॉल फॉर्म्स एट द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, सो इट इज सेल्यूलर राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ओके, एम आई क्लियर टू एवरीबडी? जस्ट हैव अ लुक एट इट, गो थ्रू इट थरली. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन इमीडिएटली आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. Okay, let's proceed with the next type. Okay, so this is our third type of the endosperm, the development of the endosperm, that is the halobial type. Okay, now what is difference in this type than the earlier two that we studied? हमने कौन कौन सा देखा, हमने न्यूक्लियर टाइप देखा और हमने सेल्यूलर टाइप देखा. उससे ये कैसे अलग है, ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो ये उनसे अलग नहीं है, दोनों का मिक्सचर बन के बनता है halobial type. हाउ, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले वापस याद कर लेते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है. जब हमारा सेकेंडरी न्यूक्लिया है सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो जो ट्रिप्लॉइड सेल बनता है दैट इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, ऑलराइट, सो सी व्हाट हैपेंस डायरेक्टली. लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स दैट आर गिवन ओवर हियर. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? इट अकर्स इन द ऑर्डर हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन्स. ओके, दिस इज द ऑर्डर, जैसे हम पढ़ते हैं ना जीनस ऑर्डर स्पीशीज क्लास फैमिली किंगडम, वैसे ये हेलोबियल्स ऑर्डर में देखा जाता है स्पेशली इन मोनोकॉटिलिडॉन्स. ओके, क्या होता है उसमें, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज फर्स्ट डिविजन बाय अ ट्रांसवर्स वॉल. ओके, क्या होता है उसमें, ये देखो ये आपका एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. ठीक है, इससे भी पहला वाला स्टेज अगर हम ड्रॉ करें तो इमेजिन दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड दिस इज योर जाइगोट द ऊस्पोर. ओके, ये एक एक सेल है, ये डिवाइड होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा जहां पर आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है और वो दो अलग अलग सेल बॉडी में चला गया है. कैसे गया है वो दो अलग अलग सेल बॉडी में, क्योंकि बीच में एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हो गई है. मतलब जो हमने सेकेंड टाइप में देखा ना सेल्यूलर टाइप में कि बीच में एक वॉल फॉर्मेशन हो जाता है जिसके वजह से दो सेल बन जाते हैं, तो ये वैसा कुछ दिखाई दे रहा है जहां पर क्या हो रहा है कि आपका फर्स्ट स्टेप में ही फर्स्ट डिवीजन में ही ट्रांसवर्स वॉल बन गई है जिसके वजह से आपको दो अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ा वाला पार्ट और एक स्मॉलर सेल. द लार्जर सेल
पहले पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं. द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस फर्स्ट डिवीजन बाय अ ट्रांसवर्स वॉल डिवाइडिंग द सेल अनइक्वली. व्हाई अनइक्वली? बिकॉज द टू पार्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. ओके, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड द चलाजल सेल. ये स्मॉलर सेल क्या, ये स्मॉलर वाला सेल को हम क्या बोलेंगे? चलाजल सेल. आपने जो पढ़ा है वो आपने ओव्यूल एनाट्रोपस पढ़ा है, मतलब उल्टा वाला ओव्यूल पढ़ा है आपने, ऐसा वाला ओव्यूल पढ़ा है जहां पर माइक्रोपाइल एंड दिस इज द चलाजल है, राइट? तो याद रखो हमेशा जाइगोट कहां पर होता है? जाइगोट हमेशा माइक्रोपाइल के पास ही होता है, बस इसी को मैंने उल्टा कर दिया तो यही चीज ऊपर की तरफ आ गई और ऐसे दिखाई दे रही है. वापिस बोलती हूँ, ये आपका ओव्यूल है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और ये आपका चलाजल एंड है, ठीक है? जाइगोट माइक्रोपाइल के पास है तो जाइगोट अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, बस इस ओव्यूल को मैंने सीधा कर दिया तो वो ऐसा दिखाई देगा. जहां पर आपका माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ आ गया, दिस इज योर माइक्रोपाइलर सेल, द लार्जर सेल, एंड दिस इज योर चलाजल सेल. ओके, दिस इज योर चलाजल सेल. द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड द चलाजल सेल, ऊपर वाला, और जो नीचे वाला सेल ऊपर गया है, द लार्जर सेल इज कॉल्ड द माइक्रोपाइलर सेल. वापिस बोलती हूँ, यहाँ पर सेल कुछ ट्विस्ट नहीं हुआ है, हम बस ओव्यूल का स्ट्रक्चर सीधा करके बता रहे हैं और कुछ नहीं. ओके, जैसे आप LHS और RHS को कैसे शिफ्ट कर देते हो तो कुछ चेंजेस नहीं होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, बस मैं ओव्यूल को आपको ऐसे करके बता रही हूँ, तो नीचे का माइक्रोपाइल ऊपर आ गया, दैट्स इट. अब क्या होता है इसमें, सेल अनइक्वली डिवाइड हो गया है. Now what will happen? The nuclei in which the cell divides by free nuclear diversity and then walls develop. Just a second. By free nuclear divisions. Wait, मैं सोचूं diversity कैसे आती है. हाँ. So क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि एक बार आपका सेल अनइक्वली डिवाइड हो गया माइक्रोपाइलर पार्ट और चलाजल वाले पार्ट में, तो उसके बाद क्या होगा? द न्यूक्लियाई इन विच द सेल डिवाइड्स, यहां पर जहां पर ये एंडोस्पर्म के न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स एंड देन सेल वॉल्स डेवलप. मतलब पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा और इसके बाद जब आप थर्ड स्टेप देखोगे तो थर्ड स्टेप में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ये डायग्राम, लेकिन अगर आप इमेजिन करो तो आपको थर्ड सेल में कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि सेल वॉल्स डेवलप हो गए हैं, ये वैक्यूल, ओके, ये एम्ब्रियो आपका, और यहां पर ये वॉल्स बनते जा रही है. ओके, मतलब क्या हो रहा है यहां पर? दोनों टाइप कवर हो रहा है. न्यूक्लियर टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, मतलब पहले न्यूक्लियर डिवाइड हो जाते हैं, जो कि यहां देखने को मिल रहा है. और सेलुलर टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग में ही सेल अलग अलग हो जाता है, तो यहां दोनों ही चीजें कवर हो गई है. पहले यहां पर सेल डिवाइड हो गया इनिशियल फर्स्ट स्टेज में ही, ट्रांसवर्स वॉल की वजह से वो दो सेल बन गया, एक लार्जर एक स्मॉलर, और उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ जो न्यूक्लियर टाइप में हमने देखा था. लास्ट में क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन की वॉल फॉर्म हो जाती है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो दिस इज योर फेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है. देन वॉल्स डेवलप बिटवीन न्यूक्लियाई इन द माइक्रोपाइलर चेंबर, स्पेशली माइक्रोपाइलर चेंबर में, ये ऊपर की तरफ जो चेंबर है यहां पर पहले वॉल्स बनती है, ये नीचे वाले स्टेज में लेटर वॉल्स बनती है, पर यहां पर पहले वॉल्स बनती है. कोई बता सकता है क्यों? मतलब आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो, मैं आंसर तो दूंगी, लेकिन आप भी पहले सोचो. अगर मेरे बोलने से पहले आपको याद आ गया तो वीडियो पॉज करके आप तुरंत अपना आंसर कमेंट कर सकते हो कि पहले माइक्रोपाइलर सेल में, मतलब ऊपर वाले सेल में पहले क्यों वॉल फॉर्म होता है. ओके, आंसर इज क्योंकि एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर सेल में है. अब जहां एम्ब्रियो रहेगा वहां का एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा, इट वॉज सो ऑब्वियस. इस वजह से पहले माइक्रोपाइलर चेंबर में वॉल फॉर्म होता है और फिर बाद में चलाजल चेंबर में. ओके, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जो हमने पहले ही देखा कि ये दोनों का मिक्सचर है, ये पार्ट सेलुलर वाला है और ये पार्ट न्यूक्लियर वाला है, क्योंकि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो रहा है. अंडरस्टूड? और इसमें फर्स्ट स्टेज में ही वॉल फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए सेलुलर टाइप है. और लास्ट में हमको क्या मिल रहा है? एक कंप्लीट मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म. सो दिस इज योर फेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म.
अब अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइप बताया गया है एंडोस्पर्म का, दैट इज मोजेइक एंडोस्पर्म। मोजेइक एंडोस्पर्म में क्या बताया गया है, दिस टाइप ऑफ, पहले तो मोजेइक वर्ड का मतलब क्या होता है, मोजेइक मीन्स ब्लर और मिक्सचर ऑफ कलर्स। ओके, लेट्स सी एंडोस्पर्म कंटेनिंग टिश्यूज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड मोजेइक एंडोस्पर्म। जैसे कि आप कॉर्न मक्का देखते होंगे, तो मक्का का जो बीज होता है उसका अपर पार्ट रेड कलर का होता है, येलो। कॉर्न का जो अपर पार्ट होता है सीड का, इट इज येलो इन कलर और लोअर पार्ट इज व्हाइट इन कलर। ओके, सो इट मीन्स दैट इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। और उसका जो सेंट्रल रीजन होता है, जो कैम्बियम होता है, वो तो टोटली व्हाइट कलर का होता है, एकदम थिक और रफ और व्हाइट कलर का होता है। सो इन प्लांट्स लाइक कॉर्न द एंडोस्पर्म कंटेन पैचेस ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, दो अलग अलग कलर के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ मोजेइक पैटर्न। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो सिर्फ बेसिक मीनिंग इसका याद रखो, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोजेइक एंडोस्पर्म, व्हेन यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन द सिंगल एंडोस्पर्म या डिफरेंट कलर पैचेस इन द सिंगल एंडोस्पर्म, दैट इज मोजेइक एंडोस्पर्म। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट इट, राइट। ओके, सो दिस वॉज our lecture on development of endosperm. I hope that it is very helpful to you. The previous lectures are also being very helpful to you. If you understood our today's lecture, then do not forget to comment your experience. Please like it. Please like the video and do not forget to share it with your friends. And if you haven't subscribed yet, please click on the subscribe button. Thank you. See you soon.